इमानि भूतानि त्रिगुण मायाकार्याणि त्रिगुणानि इमानि भूतानि त्रिगुणानि। ये जो पांच भूत कहे गए आकाश आदि भूत तो सभी त्रिगुणात्मक हैं। आकाश वायु, आकाश त्रिगुणात्मक है, वायु त्रिगुणात्मक है, पृथ्वी भी त्रिगुणात्मक ही है। गुण माने आगे कहेंगे सत्व रज और तम। अच्छा, ये क्यों त्रिगुणात्मक हैं? तो इसका कारण बताते हैं त्रिगुण माया कार्याणि। इन भूतों का जो मूल कारण है वह त्रिगुणात्मक है, तो इसी से उसका कार्य भी त्रिगुणात्मक बना है। मूल कारण माया है, वह तो माया त्रिगुणात्मक है, तो इसीलिए उसका कार्य भी, सभी कार्य त्रिगुणात्मक ही बनेंगे। तो अतः पांचों भूत प्रत्येक त्रिगुणात्मक बनते हैं। सात्विक आकाश, राजसिक आकाश या तामसिक आकाश, ऐसा नहीं, एक ही आकाश है, उसमें तीनों गुणों का समावेश है। अब इसका कहां पता चलेगा? तो आकाश का जो कार्य है उस कार्य में हमको पता चलेगा, हाँ यह सात्विक कार्य है, यह राजस, यह तामस है। गुणा सत्व रजस तमांसी, यहाँ गुण माने सत्व रजस तम, यही तीन गुण है। एतैश्च सत्व गुणोपेतैः पंचभूतैः व्यस्तैः यथाक्रम श्रोत्र त्वक् चक्षु रसन घ्राणाख्यानि पंच ज्ञानेन्द्रियाणि जायन्ते। अब तीन गुणों का प्रत्येक आविर्भाव किन किन कार्यों में होता है इसका निरूपण कर रहे हैं। ये जो पांच महाभूत हैं, सभी भूतों में सत्व गुण है, तो उनका जो सत्व गुण है इसको लेकर के कुछ सात्विक कार्य उत्पन्न होता है। तो वो कैसा कार्य उत्पन्न होता है? इंद्रिय रूप कार्य। तो पंचभूतों का अपना अपना जो सत्व गुण है, उस सत्व गुण को लेकर जो कार्य उत्पन्न होता है वह पांच ज्ञानेंद्रिय रूप कार्य है। प्रत्येक के सत्व गुण से एक एक इंद्रिय उत्पन्न होता है, यथा क्रम व्यस्ता, व्यस्त ही का अर्थ प्रत्येक रूप, मिल करके नहीं। आकाश के सत्व गुण से श्रोत्रेंद्रिय का उत्पन्न हुआ, श्रोत्रेंद्रिय उत्पन्न हुआ, और वायु का जो सत्व गुण है उससे उत्पन्न हुआ त्वक इंद्रिय, इसलिए त्वक इंद्रिय स्पर्श का ग्रहण करता है, और इसी तरह चक्षुर इंद्रिय तेज का है, और रसन इंद्रिय जल का इंद्रिय है, और घ्राण इंद्रिय पार्थिव इंद्रिय। तो यह सत्व गुण के गुण से उत्पन्न होने से, यह सात्विक कार्य होने से ज्ञान के लिए उपयोगी बनता है यह इंद्रिय। ठीक है, तो पंच ज्ञानेन्द्रियाणि जायन्ते। एतैरेव सत्वगुणोपेतैः पंचभूतैः मिलितैः मनो बुद्धि अहंकार चित्तानि च जायन्ते। अभी प्रत्येक भूतों का अपना अपना अलग अलग प्रातिस्विक कार्य का निर्देश किया गया ना, अब पांचों भूत मिल करके इसका अर्थ उनका सभी सत्व गुण मिल करके एक कार्य को उत्पन्न करता है, उसको हम अंतःकरण कहते हैं। वो चार प्रकार का है, पंचभूतैः मिलितैः सत्वगुणोपेतैः। सत्वगुण का कार्य, का सात्विक कार्य होने से यह अंतःकरण ज्ञान के लिए उपयोगी होता है। मिलितैः मनः बुद्धिः अहंकारः चित्तम्, ये चारों अंतःकरण ही है, अंतःकरण के कार्य वृत्ति को लेकर के चार नाम जायन्ते।
फिर इंद्रियों प्रत्येक इंद्रिय देवता के अनुग्रह के बिना काम नहीं कर सकता है, इसलिए इंद्रिय की सृष्टि होते ही उसमें एक देवता को भी भगवान ने बैठा दिया पावर उसी तरह। तो इसलिए वो भी कह देते हैं श्रोत्रादीनाम पंचानाम क्रमेण दिव वात अर्क वरुण अश्विन अधिष्ठातृ देवता। श्रोत्रेंद्रिय की अधिष्ठात्री देवता है दिक् देवता, इसी तरह त्वग इंद्रिय का वायु और चक्षुरेंद्रिय का अर्क मने आदित्य सूर्य और रसनेन्द्रिय का वरुण और घ्राणेन्द्रिय का अश्विनी कुमार पांच है। दिक् वायु सूर्य वरुण और अश्विन ये क्रमेण देवता है। मन आदीनाम क्रमेण चंद्र चतुर्मुख शंकर अच्युता अधिष्ठात्र देवता। मन बुद्धि अहंकार चित्त इसका भी है। मन बुद्धि मनश्चंद्रम मन का चंद्र है, बुद्धि का ब्रह्मा, वही त्रिमूर्ति है ना, ब्रह्मा ब्रह्मा शंकर और विष्णु। चतुर्मुख शंकर अच्युता क्रमेण देवता। मनश्चंद्रम ऐसा श्रुति है। एतैरेव अब पंचभूतों का प्रत्येक का सात्विक कार्य मेल मिलित का सात्विक कार्य ऐसा दो प्रकार के कार्य दिखाए ना, तो उसी तरह राजस कार्य को दिखा रहे हैं। प्रत्येक भूत का अपने अपने रजोगुण से एक एक इंद्रिय और मिल करके एक रजह कार्य रजोगुण कार्य उत्पन्न होता है, तो उसका निरूपण करते हैं। एतैरेव रजोगुणोपेतैः पंचभूतैः यथाक्रमं वाक् पाणि पाद पायु उपस्थानि कर्मेन्द्रियाणि जायन्ते। ये पांच कर्मेन्द्रिय इनके देवता क्या है, देशांच क्रमेण वह्नी इंद्र उपेन्द्र मृत्यु प्रजापतयः अधिष्ठातृ देवता। कर्म से अधिष्ठात्र देवता वन्ही वाक का अग्नि देवता है, वन्ही माने अग्नि, इंद्र पादः उपेन्द्र विष्णु और पायु के लिए मृत्यु, उपस्थ के लिए प्रजापति। किसी ने कोई कार्य किया तो इंद्र ने किया और मिल करके ये पंच महाभूत अपने रजोगुण से किसका उत्पादन करते हैं, तो वह है प्राण। प्राण चलनात्मक है, क्रिया शक्ति वाला है, तो पंचभूतों का मेलनात्मक है और रजोगुण का कार्य है। रजोगुणोपेतैः पंचभूतैः मिलितैः पंचवायवः प्राण अपान व्यान उदान समानाख्याः जायन्ते। हम तो कहेंगे प्राण नामक एक तत्व उत्पन्न हुआ अंतःकरण के समान, फिर अंतःकरण को जैसे चतुर्विध बनाया चार प्रकार का, उसी तरह कार्य के अनुरूप नाम दे करके एक प्राण को पांच बनाया, तो वह प्राण अपान व्यान उदान समान ये पांच है। उनका लक्षण क्रमशः कर रहे हैं। तत्र प्राग्गमनवान वायुः प्राणः नासादि स्थानवर्ती। यहां से अंदर प्रवेश करता है, बाहर आता है,
अर्वागमनः गमनवान अपानः पायुवादि स्थानवर्ति तृति प्राणो उदेपानः समानो नाभि संस्थितः उदानः कंठदेशे स्यात् व्यानः सर्वशरीरगः। ऐसा एक श्लोक है। तो प्रत्येक वायु का शरीर में एक एक स्थान है। विश्वगमन गमनवान व्यानः अखिल शरीरवर्ति, तो वो सभी जगह उसका प्रसार होता है। ऊर्ध्वगमनवान उत्क्रमण वायुः उदानः कंठस्थानवर्ति, उदान वायु का कार्य तब होता है जब इस शरीर से, स्थूल शरीर से सूक्ष्म शरीर को बाहर ले जाना पड़ता है। तो वह उदान इस तो कंठ स्थान में रहता है और यह काम करता है। अशित पीत अन्नादि समीकरण करह समानह नाभि स्थानवर्ती, या हुआ भोजन अपने अपने स्थान पर जाए, इसका कार्य उस पर है, समान पर है। तैश्च, हाँ ये हो गया मिल करके जो काम हुआ वह। अब ये पांच भूतों का जो तमो गुण है, तमो गुण का कार्य क्या है यह दिखाना है। तत्व गुण का ज्ञानेन्द्रिय और अंतःकरण, रजोगुण का प्रत्येक कर्मेंद्रिय और एक प्राण क्रिया शक्तिमान, और इसके बाद तमो गुणोपेत पंचभूतों का कार्य क्या है यह दिखाना पड़ेगा। तैश्च तमो गुणोपेतैहि, तैहि माने वही भूतैहि पंचमहाभूतैहि, अपंचीकृतैहि पंचीकृतानि भूतानि जायन्ते। तो अपंचीकृत जो पांच भूत हैं उनका जो तमो गुणांश है उस अंश का ही परिणाम है ये स्थूल पृथ्वी जो दिख रहा है। तो स्थूल जो पंचीकृत भूत है वह सूक्ष्म भूत का तमो गुण का कार्य है। तैश्च तमो गुणोपेतैहि अपंचीकृत भूतैहि पंचीकृतानि भूतानि जायन्ते। अच्छा, पंचीकरण माने क्या है, उसका प्रमाण क्या है यह दिखा रहे हैं। तासाम त्रिवृतम त्रिवृतमेकैकाम अकरोत् इति श्रुतेः पंचीकरण उपलक्षणार्थत्वा। कर्माणि तो उसका संकल्प है, उसके बाद किया अकरोत्, दोनों वाक्य हैं छांदों के। तो अकरोत् यहाँ पर दिया है। तासाम त्रिवृतम त्रिवृतम एकैकाम अकरोत्। तासाम इस शब्द से तीन महाभूतों का ग्रहण है। वहां छांदोग्य के षष्ठाध्याय में आकाश और वायु को छोड़ करके बाकी तीन महाभूतों की सृष्टि कही गई है। तो वही प्रकृत है, इसलिए तासाम इन तीन महाभूतों में प्रत्येक को त्रिवृत त्रिवृत बनाया भगवान ने। तेजो बनना है माने वही तेज जल और पृथ्वी, इन तीनों को त्रिवृत बनाया। त्रिवृत करण माने तीनों तीनों से युक्त जैसे जिस प्रकार हो ऐसा किया। यहाँ तीन भूतों की सृष्टि का प्रसंग है इसलिए त्रिवृत ऐसा शब्द प्रयोग हुआ है। वस्तुतः पांच भूतों की सृष्टि जहां पर है तो वहां वह पंचीकरण होगा पांचों भूतों का, इसलिए वह त्रिवृत करण पंचीकरण का उपलक्षण है। वहां आकाश और वायु का उल्लेख नहीं किया गया इसलिए त्रिवृत शब्द का प्रयोग हुआ है, और वास्तव में आकाश वायु को भी पांच भूतों में लेना ही है, तो इसलिए वहां त्रिवृत करण श्रुति उपलक्षण है पंचीकरण का। पंचीकरण प्रकारश्च इत्थम्। पंचीकरण माने क्या है, उसका प्रकार क्या है बता रहे हैं। आकाशम आदौ द्विधा विभज्य
तयोः एकं भागं पुनश्चतुर्धा विभज्य तेषां तु चतुर्णाम् अंशानां वायुवादिषु संयोजनम्। एक काम है, बड़ा काम, आकाश जो अपंचीकृत है उसमें परमेश्वर दो विभाग कर देता है, एक विभाग को अलग रख देता है, दूसरा जो विभाग है उसमें पुनः चार भाग करता है, और इन चारों भागों को, भागों में से एक एक भाग को अन्य भूतों में जोड़ता है। तो इसके लिए ऐसा कहना पड़ेगा, पहले पांचों भूतों को वह अलग दो दो भाग करके रख लेता है, शुद्ध भाग। हाँ, तो एक एक अर्थ में चार चार भाग कर देता है। अब वायु का जो अर्ध में चतुर्थांश है, चार चतुर्थांश, उनको प्रत्येक वायु एक चतुर्थांश वायु में जोड़ता है, एक तेज में, इस प्रकार स्वेदर आकाश का चतुर्थांश माने अष्टमांश हुआ, वह जो अष्टमांश है वह आकाश को छोड़ करके अन्य भूतों में लग जाता है। 12% तो इसी तरह वायु में भी जो अर्ध भाग तो अपना है और अर्ध भाग में बाकी सभी भूतों का भाग आता है, तो प्रत्येक भूत अपने भाग से अधिक है, माने आधा भाग अपना है उनका और आधे भाग में अन्य भूतों का मिश्रण है, तो इसको हम पंचीकरण ऐसा कहते हैं। आकाशम आदौ द्विधा विभज्य तयोर एकं भागं पुनश्चतुर्धा विभज्य तेषां तु चतुर्णाम् अंशानां वायुवादिषु संयोजनम्। एवं वायुं द्विधा विभज्य तयोर एकं भागं पुनश्चतुर्धा विभज्य तेषां चतुर्णाम् अंशानां आकाशादिषु योजनम्। एवं तेज आदीनां, आकाशादिषु माने वायु को छोड़ करके अन्य चारों में, इस तरह समझना। तदेवं एकैक भूतस्य अर्धं स्वांशात्मकं अर्धांतरं चतुर्विध भूतमयं। यही बना ना, तो अपना आधा भाग है और आधे भाग में बाकी सभी भूतों का मिश्रण है। इति पृथिव्यादिषु स्वांश आधिक्यात् पृथिव्यादि व्यवहारः। तो जिस भूत का भाग अधिक है उसी के नाम से उसका व्यवहार होता है। तदुक्तं वैशेष्यात्तु तद्वादः तद्वादः। वैशेष्य माने विशेष, वैशेष्य माने आधिक्य। जिस भूत का भाग अधिक है उसके नाम से, उसी के नाम से उसका पंचीकृत वस्तु का व्यवहार होगा, यह इस सूत्र में कहा गया है, ब्रह्म सूत्र में। हाँ, तद्वाद है, इतना ही है, लेकिन वो अध्याय की समाप्ति हो रही है इसलिए पद की आवृत्ति करते हैं। जहाँ अध्याय समाप्त होता है तो वहां पद को दो बार बोलते हैं, इसलिए तद्वाद है, तद्वाद है। अच्छा, तो अभी पंचीकृत महाभूत उत्पन्न हुए, तो अभी तक क्या उत्पन्न हो गए हैं अपंचीकृत पंच महाभूतों से। तो पंच महाभूतों की दो अवस्थाएं हैं, अपंचीकृत अवस्था, पंचीकृत अवस्था। तो अपंचीकृत, पंचीकरण की पूर्व अवस्था में वो पांचों भूत जिसको, जिस कार्य को उत्पन्न करते हैं उसको हम सूक्ष्म शरीर कहते हैं। पंचीकरण की पूर्व अवस्था में उन पांचों भूतों को हम सूक्ष्म भूत कहते हैं और उनका कार्य भी सूक्ष्म ही है। जब पंचीकरण हो गया तो वह स्थूल भूत बन जाते हैं और उनका कार्य भी स्थूल होता है, इसीलिए सूक्ष्म शरीर जो अपना है तो उस सूक्ष्म शरीर का कारण सूक्ष्म महाभूत है, वही उसी का निर्देश कर रहे हैं। तैश्च अपंचीकृत भूतैः लिंग शरीरं परलोकयात्रा निर्वाहकं मोक्ष पर्यन्तं स्थायी मनोबुद्धिभ्यां उपेतं ज्ञानेन्द्रिय पंचक कर्मेन्द्रिय पंचक प्राणादि पंचक संयुक्तं जायते।
लिंग शरीर में सब रहेगा। हाँ, लिंग शरीर में। तो ये कोई नई बात नहीं है, अभी जो कहे उसी का पुनः निर्देश कर रहे हैं। अपंचीकृत पंचभूतों से लिंग शरीर की उत्पत्ति होती है। उस लिंग शरीर का प्रयोजन क्या है? तो स्थूल शरीर स्वयं देख नहीं सकता, सुन नहीं सकता, लिंग शरीर के आधार पर ही वह ये काम करता है। इतना ही नहीं, लिंग शरीर ही जीव का परलोक यात्रा का निर्वाहक है, क्योंकि यह स्थूल शरीर यही रह जाता है। तो यहाँ से स्थूल शरीर से निकल करके दूसरे शरीर में प्रवेश क्या करता है? तो वह लिंग शरीर। इसलिए लिंग शरीर को परलोक यात्रा का निर्वाह ऐसा कहा गया। और यह लिंग शरीर नष्ट नहीं होता, स्थूल शरीर तो उत्पन्न होता है, कुछ समय बाद नष्ट हो जाता है, लेकिन यह लिंग शरीर उस जीव का तब तक पीछा करता है जब तक उसकी मुक्ति नहीं हो जाती, मोक्ष पर्यंतम स्थायी। तो मुक्ति काल में ही लिंग शरीर का नाश होता है। और इसमें क्या क्या चीज है? मनोबुद्धिभ्याम उपेतम, मन है, बुद्धि है, ज्ञानेन्द्रिय पंचक है, कर्मेन्द्रिय पंचक है, और प्राणादि पंचक है, ये सब मिलकर के लिंग शरीर। एक श्लोक में लिंग शरीर का स्वरूप यही बताया गया है। तदुक्तम पंच प्राण मनो बुद्धि दशेन्द्रिय समन्वितम अपंचीकृत भूतोत्थम सूक्ष्मांगम भोग साधनम सूक्ष्मांगम सूक्ष्म शरीरम। यह अर्थ व्यवस्थित, यह भोग का साधन है, इसके बिना स्थूल शरीर में भोग नहीं संभव है। तो पंच प्राण मन बुद्धि दस इंद्रिय ज्ञानेन्द्रिय कर्मेन्द्रिय इनसे समन्वित है और अपंचीकृत भूत जनित है। ठीक है, अब यह जो सूक्ष्म शरीर बताया जिसमें सप्तदश अंश है मिल करके बना है, तो इसमें पुनः दो प्रकार है। नहीं, लिंग शरीर है, कारण शरीर तो है, अविद्या को कहते हैं, उसको कहते हैं कारण शरीर। इसको लिंग शरीर इसलिए कहते हैं, लीनम गमयति इति लिंग। हाँ, लिंगम इस शब्द की व्युत्पत्ति है, जो लीन है, तिरोहित है, उसको तत् गमयति, गमयति अवबोध है, जो स्वयं प्रकाशित नहीं हो रहा है, तिरोहित है, उसको भी पता करा देता है। जैसे जब इन इस सूक्ष्म शरीर का कार्य कुछ हमें हमारी जानकारी में आता है, अर्थात या आप देख रहे हैं, सुन रहे हैं, तब इसके इस कार्य के आधार पर उस शरीर में जीव है यह पता चलता है, दूसरे शरीर अपने शरीर में नहीं। हाँ, जीव का ज्ञापक लिंग, तो दूसरे शरीर में जीव है जीव नहीं है इसका ज्ञापक तो उसका लिंग शरीर होता है। लिंग शरीर का काम कुछ वहां है ये पता चलता है तो जीव है, तो इसलिए लिंग ऐसा कहा। तच्च द्विविधम, लिंग शरीरम द्विविधम, परम अपरम अपरंच। पर लिंग शरीर, अपर लिंग शरीर। अच्छा, पर माने क्या है? परम हिरण्यगर्भ लिंग शरीरम, अपरम अस्मदादि लिंग शरीरम। इसी को समष्टि और व्यष्टि भी कहते हैं। हिरण्यगर्भ एक ऐसा शरीर है, प्रथम प्राथमिक जीव, जिसका तादात्म्य प्रत्येक जीव के साथ है, वह कोई अलग नहीं है, हम सबसे मिलकर है हिरण्यगर्भ। इसलिए हिरण्यगर्भ सब कुछ जानता है, सब जानता है। प्रत्येक जीव का अपने शरीर में जो कुछ ज्ञान होता है वह सब ज्ञान हिरण्यगर्भ को होता है।
कि वह समष्टि लिंग शरीर उपाधिक है और हम लोग व्यष्टि एक एक लिंग शरीर के अधिपति है, उपाधि के रूप में उसको लिया है। हाँ, सर्वज्ञ सर्वविद हो जाता है। तत्र हिरण्यगर्भ लिंग शरीरम महत्तत्वम अस्मदादि लिंग शरीरम अहंकार इति आख्यायते। ये दो शब्द है महत्तत्व और अहंकार, इन शब्दों का प्रयोग तो सांख्य शास्त्र में होता है। मूल प्रकृति से उत्पन्न हुआ महत्तत्व, उस महत्तत्व से अहंकार तत्व की उत्पत्ति हुई, ऐसा वर्णन करते हैं। तो आपके वेदांत में महत्तत्व के स्थान पर क्या है, तो उसके स्थान में आपके लिए भी कुछ होना चाहिए। हाँ, तो समष्टि लिंग शरीर जो है इसको महत्तत्व रूप में रखा और व्यष्टि सूक्ष्म शरीर जो है उसको अहंकार शब्द से लेना है। ऐसा ही सांख्य भी ऐसा ही नहीं, सांख्य का तो महत्तत्व अलग है, वो अलग ही तत्व है और अहंकार तत्व भी अलग है। तो यहाँ पर महत् शब्द तत्व शब्द का प्रयोग होता है तो यह अर्थ लेना चाहिए वेदांत। ये कह रहे हैं हिरण्यगर्भ लिंग शरीरम महत्तत्वम इति आख्यायते, अस्मदादि लिंग शरीरम अहंकार इति आख्यायते। तो इस प्रकार सूक्ष्म अपंचीकृत पंचभूत से उत्पन्न सूक्ष्म शरीर का वर्णन किया गया। अब इसके बाद स्थूल का वर्णन करना चाहिए, स्थूल कार्य वो दिखा रहे हैं। परमेश्वर ने सर्वप्रथम स्थूल शरीर की सृष्टि नहीं की, क्योंकि इस सृष्टि के पूर्व में उसकी अन्न पान रहने की सब व्यवस्था करके उसके बाद स्थूल शरीर की सृष्टि करना चाहिए, अन्यथा वहां क्या करेगा बेचारा। इसलिए पहले ब्रह्मांड की सृष्टि किया। एवं तमोगुण युक्तेभ्य पंचीकृत भूतेभ्य भूमि अंतरिक्ष स्वर महर जन तपस सत्याख्यस्य ऊर्ध्वलोक सप्तकस्य अतल पाताल वितल सुतल तलातल रसातल महातलाख्यस्य अधोलोक सप्तकस्य ब्रह्मांडस्य और जरायुज अंडज स्वेदज उद्भिज्याख्यानां चतुर्विध स्थूल शरीराणां च उत्पत्तिः। तमोगुण युक्त पंच अपंचीकृत भूतों से पंचीकृत भूतों की उत्पत्ति हुई, पंचीकृत भूतों से ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई, इस ब्रह्मांड में चतुर्दश लोक बने हैं, भूमि से गिनेंगे तो सत्यलोक तक ऊर्ध्व सब लोक सप्तक और उसके नीचे अतल वितल इत्यादि कहाँ कहाँ तक है, पाताल हाँ तलातल महातल कहीं पर वो उसका विपर्य भी है, पाताल अंत में आता है, उसके स्थान पर यह तलातल महातल जाता है। अतल वितल महा सुतल रसातल महातल तलातल पाताल हम महासंकल्प में करते हैं। तो पाताल तक नीचे का लोक तब तक यह ब्रह्मांड उत्पन्न हुआ। तो उस ब्रह्मांड में चतुर्विध स्थूल शरीर जरायुज, जरायुज माने गर्भ से उत्पन्न होने वाला मनुष्य आदि, अंडज जानते हैं अंडज पक्षी सर्प आदि, स्वेदज यूका मशक आदि और उद्भिज स्थावर वृक्ष इत्यादि, इस तरह के चतुर्विध स्थूल शरीराणाम उत्पत्ति ही। तत्र जरायुजानि जरायुभ्यो जातानि मनुष्य पश्वादि त्रीणि शरीराणि, अंडजानि अंडेभ्यो जातानि पक्षि पन्नगादि शरीराणि, पन्नग सर्प
स्वेद जानी है पन्नग माने सर्प 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 को पन्नग कहते हैं। स्वेद जानी तो स्वेदाज्ञातानि यूका मशकादीनि और उद्भिद जानी तो भूमि उद्भिद जातानि वृक्षादीनि। यूका जानते हैं हाँ जो उद्भिद जानी तो भूमि उद्भिद जातानि वृक्षादीनि। वृक्षादीनामपि पाप फल भोगायतनत्वेन शरीरत्वम्। कुछ लोग यह मानते हैं तीन प्रकार की है शरीर का, यूका मशक ये तो शरीर है क्योंकि उसमें जीव है और वो अपना पुण्य पाप का फल भोगता है, लेकिन वृक्ष शरीर में जीव नहीं है, वो कोई भोगायतन नहीं है शरीर, तो यह वेदांत में सम्मत नहीं। वो कह रहे हैं वृक्षादीनामपि पाप फल भोगायतनत्वेन शरीरत्वम्। वृक्ष जन्म होता है, पाप के फल के रूप में ऐसा जन्म का वर्णन किया गया है, तो उसमें प्रमाण को यहाँ नहीं दिया है शरीर। हाँ ये नीचे व्याख्यान में दिया है, शरीर जयिह कर्म दोषैः याति स्थावरताम नरः। स्थावर भाव को प्राप्त होता है, स्थावर भाव स्थावर जन्म को प्राप्त है। शरीर जयिह कर्म दोषैः, शरीर से जो दुष्ट कर्म, कर्म दोषैः माने दुष्ट कर्म, उसका फल होता है स्थावर भाव उत्पन्न होता है। किस कर्म का ऐसा तो यहाँ निर्देश नहीं किया है, दूसरा भी एक श्लोक का उदाहरण देते हैं, गुरुं हुं कृत्य उतुं कृत्य विप्रं निर्जित्य वागतः श्मशाने जायते वृक्षः कंकगृध्रोपसेवितः। गुरुं हुं कृत्य, हुंकार माने डराना, पाठ बंद करो अन्यथा ताड़यामि। ये भी है परीक्षा पास करो। गुरुं हुं कृत्य तुं कृत्य, तुं कृत्य का अर्थ अनादर सूचक शब्द का प्रयोग करना, तुम इत्यादि प्रयोग करना, एक वचन का प्रयोग। और वाद में विप्र को जीतना, विप्रम निर्जित्य वादतः, ऐसा करने पर श्मशाने जायते वृक्ष, और वो भी कैसा वृक्ष, उपयोगी नहीं, कंक गृध्य उपसेवित, ऐसा एक श्लोक है। अत्र च परमेश्वरस्य पंच तन्मात्राद्युत्पत्तौ सप्तदश अवयवोपेत लिंग शरीरोत्पत्तौ हिरण्यगर्भ स्थूल शरीरोत्पत्तौ च साक्षात् कर्तृत्वम्। इतर निखिल प्रपंचोत्पत्तु हिरण्यगर्भादि द्वारा हन्ताहमिमास्तिस्रो देवताः अनेन जीवेन आत्मनानु प्रविश्य नाम रूपे व्याकरवाणी इति श्रुते। यहाँ एक बात यह कह रहे हैं, हिरण्यगर्भ जो है वो भी तो सृष्टा है, वो भी सृष्टि का करता है, आगे का कार्य वह संभालता है, तो परमेश्वर का कार्य कहाँ तक है, परमेश्वर अकेला क्या क्या कार्य करता है सृष्टि आरंभ में, तो कहते हैं हिरण्य पंच तन्मात्राद्युत्पत्तौ, पंच तन्मात्र पंच महाभूतों की उत्पत्ति परमेश्वर का कार्य है, और सप्तदशावयव का लिंग शरीरोत्पत्ति ये भी उसी का कार्य है, उसका हिरण्यगर्भ एक समष्टि बना करके हिरण्यगर्भ को भी उसी ने उत्पन्न किया, पंचीकरण भी उसी का कार्य है, पंचीकरण तक परमेश्वर अकेला करता है, तो पंचीकरण के बाद तो अब हिरण्यगर्भ आ गया है, हाँ वो करेगा साक्षात कर्तृत्व। यहाँ नहीं है
लेकिन उसको लेना चाहिए, लेना चाहिए। सूत्र में है संज्ञा मूर्ति क्लिप्तिस्तु त्रिवृत्त पूर्वत उपदेश, त्रिवृत्त पूर्वत परमेश्वर से, ये त्रिवृत्त करण तो साक्षात परमेश्वर का कार्य है, हिरण्यगर्भ का नहीं, इसलिए त्रिवृत्त करण तक वो बना देता है। उसके बाद ये जो पांच सप्त अधोलोक सप्त ऊर्ध्वलोक ये सब हैं, ये इनका निर्माण तो हिरण्यगर्भ करेगा। आगे वो भी अनेक प्रजापतियों की सृष्टि करके उनके द्वारा प्रजाओं की वृद्धि करेगा, तो ये सब आगे ये लोग देखेंगे। इतर निखिल प्रपंचोत्पत्तौ हिरण्यगर्भादि द्वारा परमेश्वरस्य कर्तृत्वम्। इसमें प्रमाण वाक्य यही है, हंताहम इमास तिस्रो देवताः अनेन जीवेनात्मना अनुप्रविश्य नाम रूपे व्याकरवाणी। ये जो हिरण्यगर्भ रूप जीवात्मा है, इस रूप में हम प्रवेश करके ये सब नाम और रूपात्मक प्रपंच का व्याकरण करेंगे। व्याकरण मतलब सृष्टि फैलाना, नाम रूप व्याकरण करना है, ऐसा परमेश्वर के संकल्प का उल्लेख है। तो इसलिए परमेश्वर हिरण्यगर्भ के रूप में आ करके फिर बाकी काम करता है। आएगा, अब आएगा, यहाँ तक ऐसा ही ज्योतिष में भी।